सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस फोटो एडिट करने वाला हूँ, आज जो कुछ नया सीखने को मिलता है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हाँ गाइस, आप एक लाइक करना एकदम ना भूलना गाइस, ताकि मैं एक लाइक से तो आपको जो हम लोग का हिम्मत मिलता है ना वो हम लोग जानते हैं गाइस। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें और लाइक दबा करना। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार्ट की तरफ और पिक्सार्ट करते हैं ऑन। पिक्सार्ट ऑन करने के बाद आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको जाना है ऑल्ट फोटोज पे। ऑल्ट फोटोज पे जाने के बाद आपको चले जाना अपने फाइल में। अपनी फाइल में जाने के बाद आपको ये जो बैकग्राउंड ले लेनी है, ठीक है। फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ से करना है आपको जाना टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको रिसाइज में जाना। रिसाइज में जाने के बाद इसको हटा देनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 1717 कर लेंगे, यहाँ से कर लेनी है डन। तो आपका जो बैकग्राउंड का साइज है वो गया पड़ा, आपका फोटो फटेगा नहीं। चलते हैं सीधा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में, अपनी फाइल में जाने के बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ कर लेंगे ऐड। तो कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे बट इस तरीके से कुछ ऐड नहीं करेंगे। चलते हैं सीधा ड्रा टूल में और करेंगे वहाँ से फोटो को ऐड, ठीक है। तो आपको जाना है ड्रा टूल में और यहाँ ड्रा टूल में जाने के बाद आपको उस फोटो पे क्लिक करना है और फोटो पे क्लिक करने के बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ ऐड कर लेनी है अपनी फाइल में जाकर। तो चले अपनी फाइल में आ गए, तो यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा फोटो को टुकड़ा, थोड़ा फोटो को क्रॉप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से कर लेंगे डन। तो बस यहाँ जो फोटो है इसको यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे फोटो को। तो बस इसमें मैंने क्या बताया ना, तो बस ये बताया कि इसमें एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है इसमें आपको एक लेयर बनाना है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं लेयर और फोटो को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। तो एक फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं और बीच वाले लेयर पे क्लिक करना है आपको। आप उसके लिए करना है आपको इसमें ब्लैक कलर ले लेनी है। तो यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक कलर और यहाँ से कर लेते हैं डन। ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पे कर लिया डन। उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और उसके बाद मल्टीप्ले पे क्लिक कर देनी है। उसके क्या करना है आपको कैमरा पे क्लिक करना है, यहाँ से कर देनी है मर्च। हमारा जो फोटो मर्च हो गए हैं और जो ब्लैक वाली दिख रही है आपको कर देनी है ऐसे नीचे। और नीचे करने के बाद वैसे क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है पिन डॉट पर। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देनी है आप। उसके बाद यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से टैटू बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा कुछ इस तरीके से। तो इस यहाँ से मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो हो गया। यहाँ से करते हैं डन और थोड़ा ऑपेसिटी को कम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा ऑपेसिटी यहाँ पे हो गया है कम। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, कुछ हेयर स्टाइल लगाना है और उसके बाद कलर सेटिंग करना है। तो चलते हैं ऑटोडेस्क में, वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है आपको ड्रा टूल में जाना है। ड्रा टूल में जाने के बाद अपनी फ़ोटो को कर लेना है सेव। तो पिन डॉट पे क्लिक करना है, सेव इमेज पे अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो हमारा जो फोटो है सेव हो गया है। तो चलते हैं ऑटोडेस्क में। तो गाइस हमारा जो फोटो ऑटोडेस्क में ओपन हो गया है, तो यहाँ से हेयर स्टाइल को बना लेते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है और ब्रश पे देखते हैं, ये वाली ब्रश पे आपको रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ब्रश मिलेगी ये वाले थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे ट्रीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा इसको मैं कम कर लेता हूँ, साइज को भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, सारा सीटिंग देख लीजिए। यहाँ से मैं फिर जो है हेयर स्टाइल में यहाँ से मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो बस आप देख सकते हो कि हमारा जो हेयर स्टाइल है कुछ तो अच्छे ढंग पे हो गया, जो पहले था उतना खास नहीं लग रहा था, अभी कुछ कर दिए तो ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो बस आपको क्या करना है यहाँ इस पर क्लिक करना है और इसी गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेनी है। तो हमारा जो फोटो है सेव हो गया है। और कुछ यहाँ पर कलर सेटिंग करना है, तो चलते हैं लाइटिंग की तरफ और उसमें आपको कुछ बताते हैं। तो आपको क्या करना है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देनी है और सेव पर क्लिक करने के बाद बस आपको यहाँ पर लाइटरूम में ऐड कर देनी है। हमारा जो फोटो है लाइटरूम में ऐड हो गया है गाइस, और चलते हैं सीधे लाइटरूम में। तो यहाँ से अपने वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो गाइस हमारा जो फोटो है यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे
कुछ कलर सेटिंग करना है गाइस, तो आपको यहाँ पे कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो इस लाइट पे क्लिक करते हैं और थोड़ा लाइट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं गाइस कुछ इस तरीके से, और शैडो को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, मैं बढ़ा लेता हूँ, तो वाइट बैलेंस कम कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लैक का जो ब्लैक है इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कलर सेटिंग करते हैं, मिक्स पे क्लिक करते हैं, थोड़ा रेड को बढ़ा लेंगे। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से आपको कर लेंगे। यहाँ पे व्यू को थोड़ा देख लेते हैं, व्यू को थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, उसके क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है, लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेनी है कुछ इस तरीके से गाइस। ठीक है, तो लुमिनस हमने बढ़ा लिया, यहाँ से कर लेते हैं डन। और यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं गाइस कुछ इस तरीके से। ठीक है, ग्रेवियंस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं डन। उसके क्या करना है आपको जाना इस पर, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है थोड़ा ज़्यादा नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके क्या करना है थोड़ा ग्रेवियंस को थोड़ा बढ़ा लेनी है कुछ इस तरीके से गाइस, तो यहाँ बढ़ा लेता हूँ। और यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा साफनेस को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा ताकि हमारा फोटो साफ हो जाए और क्लीन दिखे। तो यहाँ पे नॉइस में तो फेस नॉइस थोड़ा क्लीन हो जाए, और कलर नॉइस भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो वैसे हमारा फोटो अच्छे तरीके से हो गया है रेडी, तो आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस की वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने फ्रेंडों को शेयर करना। तो गाइस, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग को सिखा दूँ और आप लोग सीखो, अपने खुद को ऐसा फोटो पोस्ट दो और बनाओ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी मॉडल का उठाओ, मेरे पास ऐसा फोटो नहीं था कि मैंने ये फोटो बनाया तो आप लोगों को बताया। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे फोटो को सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बट इसको सेव करना है तो क्या करना है आपको, स्क्रीन शॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपटू डिवाइस पर क्लिक करके सेव कर लेनी है। ठीक है गाइस, तो हमारा हो यहाँ पे हो रहा है फोटो सेव फुल एचडी में। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।